हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आज आपको पंचायती राज विभाग की तरफ से अपडेट देने वाला हूँ। अगर आप बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर कार्यपालक सहायक BPSM के अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आपको देखना है, स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पंचायती राज विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस पर कहा गया है फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर कार्यपालक सहायक हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है अपडेट है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिस पे क्या है उसमें आप लोगों के लिए अपडेट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो ये जिला पदाधिकारी पटना यहाँ पे दिया हुआ है और यह लिखा गया है बेल्टोन को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है पटना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक 24/6/2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैटर नहीं करता है कि ये लेटर पटना का है, मैटर ये करता है कि ये पंचायती राज विभाग का लेटर है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया हो कि ये विभाग का लेटर है, इसमें जो है पूरे बिहार के जितने भी पंचायती राज विभाग के कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं अभी कार्यरत, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है अच्छे इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या 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 कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय में क्या है। ERP सिस्टम के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की अधिसूचना हेतु लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो महाशय में क्या है, उपयुक्त विषय प्रसंगित पत्र के संदर्भ में कहना है कि पंचायती राज विभाग के अधीन क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना संबंधित ई पंचायत MMP के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु तथ्य परक आंकड़ों एवं विवरण की प्राप्ति अनुसरण एवं सभी ग्राम पंचायतों विभाग लोक सेवा केंद्र सुचारू रूप से संचालन का कार्य जिला पंचायती राज कार्यालय के माध्यम से की जा रही है, ठीक है। उसके बाद बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी बिहार पटना के निर्देश, अब रिक्त स्थानों पर कार्यपालक सहायक के बदले डाटा इंटरप्रेटर की नियुक्ति बेल्टोन के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति जो है बेल्टोन के माध्यम से की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे निर्देशक यहाँ पे दिया हुआ है, पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना में द्वारा कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों में अधिसूचना के आलोक में डाटा एंट्री उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि सभी ग्राम पंचायत में बिहार के लोकसभा के अनुसार रूप से चलाया जाए, ठीक है। अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी प्रकार की योजनाओं हेतु कार्यपालक सहायकों के रिक्त पदों पर बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु ERP सिस्टम के लिए जिला पंचायती राज कार्यालय पटना हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में, ठीक है, नोडल पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे श्री संजय कुमार वर्मा जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उनको यहाँ पे नामित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे संजय कुमार वर्मा को जो है जो पंचायती राज विभाग पदाधिकारी है उसको यहाँ पे नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, ठीक है। साथ ही नोडल पदाधिकारी से संबंधित पूर्ण विवरण विपरीत पत्र के संकलन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए, जो पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं उसी को यहाँ पे नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी यहाँ पे रिक्त पद है बेल्टोन को यहाँ पे भेजी जाए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सभी को यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि सभी ग्राम पंचायतों में जो है RTPS काउंटर के जो भी कार्य होते हैं वहाँ पे सुचारू रूप से कार्य संचालित की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेटर जो है बेल्टोन को लिखी गई है, ये जो लेटर लिखा गया है जिला पदाधिकारी, ठीक है, पटना। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो भी अपडेट है आपको मिल गया होगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी फ्रेंड्स, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।